नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, कोरोना वायरस से कांग्रेस के इस दिग्गज नेता का निधन हो गया है और इस नेता के निधन पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। 10 जनपद का चाणक्य इस नेता को कहा जाता था और सोनिया गांधी का बेहद करीबी माना जाता था। इस नेता को हमेशा कांग्रेस जब फंसती थी तो इस नेता ने संकट मोचक बनकर कांग्रेस को उबारने का काम किया और इस नेता के निधन से निश्चित तौर पर कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। कौन है ये नेता, वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में मित्रों ओम शांति जरूर लिखें। सुबह की खबर है, सुबह ही शोक भरी खबर आई और आपको बता दूं कि आज सुबह तड़के 3 बजे के लगभग इस नेता का निधन हो गया। इस बीच आपको बता दूं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं देश में और जो गिरावट है दैनिक मामलों में जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। खैर, पिछले 24 घंटों में 37,975 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं जबकि सोमवार को संक्रमण के 44,059 नए मामले सामने आए थे। देश में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की तादाद 86 लाख के पार पहुंच गई है और आपको बता दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 37,975 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 480 रही है पिछले 24 घंटों में और जिसमें से 100 से ज्यादा तो दिल्ली में ही थे। वहीं देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की तादाद 91,77,841 पहुंच गई है। मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक देश में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 86,04,955 हो गई है और पिछले 24 घंटों में 42,314 लोगों ने कोविड को मात दी है और अस्पताल से घर लौट आए हैं। तो देश में सक्रिय मामलों की संख्या 5 लाख से नीचे बनी हुई है। इस बीच आपको बता दूं कि कई राज्य ऐसे हैं जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ऐसे राज्य हैं जहां पर मामले बढ़ रहे हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से मामले जो है अब कम आ रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। आपको बता दूं कि अहमद पटेल को सोनिया गांधी का बेहद करीबी नेता माना जाता था, कांग्रेस का संकट मोचक कहा जाता था। कांग्रेस जब भी फंसती थी अहमद पटेल आगे आते थे और इस बीच आपको बता दूं कि अहमद पटेल 1 महीना पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे, इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट करके उनके पिता के निधन की जानकारी दी है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उनके पिता अहमद पटेल का आज सुबह 3:30 पर निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था और इसी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। फैजल पटेल ने ट्वीट करके कहा कि वो बेहद दुख के साथ अपने पिता अहमद पटेल की दुखद और असामयिक मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं। फैजल पटेल ने कहा कि 25 तारीख को सुबह 3:30 पर उनके पिता का निधन हो गया और फैजल पटेल ने कहा कि लगभग 1 महीना पहले उनके पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और वे मल्टी ऑर्गन फेल्योर के शिकार हो गए। और फैजल पटेल ने कहा कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। फैजल पटेल ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। आपको बता दूं कि गुजरात से राज्यसभा सांसद थे अहमद पटेल, कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे थे और 15 नवंबर को मेदांता अस्पताल के आईसीयू में अहमद पटेल को भर्ती कराया गया था। 1 अक्टूबर को अहमद पटेल ने खुद ट्वीट करके अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी और तब दिग्गज नेता अहमद पटेल ने कहा था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, निवेदन करता हूं कि मेरे नजदीकी संपर्क में जो लोग आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें। 71 साल के अहमद पटेल 3 बार लोकसभा सदस्य रहे, 5 बार राज्यसभा के सांसद रहे। अगस्त 2018 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पहली बार 1977 में 26 साल की उम्र में भरूच से लोकसभा का चुनाव जीतकर अहमद पटेल संसद पहुंचे थे और हमेशा पर्दे के पीछे से राजनीति करने वाले अहमद पटेल कांग्रेस परिवार के विश्वस्त नेताओं में गिने जाते थे। 1993 में राज्यसभा सांसद थे। इस बीच आपको बता दूं कि अहमद पटेल को 10 जनपद का चाणक्य भी कहा जाता था। दरअसल अहमद पटेल जब भी कांग्रेस फंसी होती थी, मुसीबत में फंसी होती थी, तो अहमद पटेल आते थे और कांग्रेस को निकाल कर ले जाते थे। पटेल को 10 जनपद का चाणक्य कहा जाता था और कांग्रेस पार्टी में उनका दबदबा था। उनके बारे में खास बात यह थी कि वो कभी मंत्री नहीं रहे लेकिन सत्ता के केंद्र में रहे। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार और बेहद करीबी थे। कांग्रेस में बेहद ताकतवर और असरदार होते हुए भी लो प्रोफाइल रखते थे।
पटेल की कोशिश रहती थी कि दिल्ली और देश की मीडिया में उनकी जरा भी खबर ना चले। सत्ता के केंद्र में रहते हुए भी वो सुर्खियों से दूर रहते थे, किसी भी टीवी चैनल पर नहीं दिखते थे, राजनीति से दूर उन्हें बड़ी सादगी का जीवन जिताना बिताना जो है वो पसंद था। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अहमद पटेल के निधन पर सोनिया गांधी ने क्या कहा है। सोनिया गांधी ने सीधे सीधे कहा कि मैंने एक दोस्त को खो दिया है, और कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अहमद पटेल के निधन से पार्टी में शोक की लहर है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि मैंने एक सहयोगी को खो दिया है जिसका पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित था। उनकी ईमानदारी और समर्पण, कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, हमेशा मदद करने की कोशिश, उदारता, उनमें ये सभी दुर्लभ गुण थे जो उन्हें दूसरों से अलग करते थे। सोनिया गांधी ने कहा कि मैंने एक वफादार सहयोगी, एक दोस्त और एक ऐसे कॉमरेड को खो दिया जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं उनके निधन पर शोक व्यक्त करती हूं और उनके शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देती हूं। अहमद पटेल के परिवार के प्रति सहानुभूति और समर्थन की सच्ची भावना व्यक्त करती हूं। तो ये सोनिया गांधी का कहना है। आपको बता दूं कि अहमद पटेल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे। गांधी परिवार के साथ साथ उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक नेता माना जाता था। कहा जाता है कि अहमद पटेल की वजह से सोनिया गांधी भारतीय राजनीति में खुद को स्थापित कर पाई थी। अपने प्रधानमंत्री पति राजीव गांधी की हत्या के बाद इतनी बड़ी पार्टी संभाल पाई, नरसिम्हा राव जैसे नेताओं से रिश्ते बिगाड़ने के बावजूद बनी रही। सोनिया के सफर के पीछे अहमद पटेल का हाथ माना जाता है। तो आपको बता दूं कि भरूच जिले के अंकलेश्वर में 21 अगस्त 1949 को पैदा हुए थे अहमद पटेल। 3 बार लोकसभा सांसद, 5 बार राज्यसभा सांसद रहे। और अहमद पटेल के पिता मोहम्मद इश्कजी पटेल भरूच की तालुका पंचायत सदस्य थे और कांग्रेस के नेता थे। अहमद पटेल ने अपने पिता की उंगली पकड़कर राजनीति सीखी, कांग्रेस के पंचायत तालुक के अध्यक्ष बने। अहमद पटेल ने अपने बच्चों को राजनीति से दूर रखा और 1976 में उन्होंने मैमूना अहमद से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। साथ ही आपको बता दूं कि 26 साल की उम्र में अहमद पटेल सांसद बने थे। अहमद पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। और आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने समाज की सेवा करते हुए सालों गुजारे। पीएम मोदी ने कहा कि तेज दिमाग वाले अहमद पटेल को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मैंने उनके बेटे फैजल से बात की है और अपनी संवेदना प्रकट की है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले। आपको बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी की तरह अहमद पटेल भी गुजरात के रहने वाले थे। अहमद पटेल का जन्म, जैसा कि मैंने बताया, 21 अगस्त 1949 को गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में हुआ था। तो नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने उनके बेटे फैजल पटेल से भी बात की है। इसके अलावा आपको बता दूं कि राहुल और प्रियंका गांधी ने भी शोक व्यक्त किया है अहमद पटेल के जाने पर। राहुल गांधी क्या लिखते हैं, आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि आज एक दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभकार थे। उन्होंने कांग्रेस में रहकर सांस ली और सबसे कठिन समय में पार्टी के साथ खड़े रहे। पार्टी के लिए अति बृहत संपत्ति थे, हम उन्हें याद करेंगे। फैसल, मुमताज और परिवार को मेरा प्यार और संवेदना। साथ ही साथ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी अहमद पटेल के दुख पर निधन पर दुख व्यक्त किया है। और प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अहमद जी न केवल एक बुद्धिमान और अनुभवी सहकर्मी थे जिनसे मैं लगातार सलाह और परामर्श के लिए मुखातिब थी, बल्कि वे एक ऐसे दोस्त थे जो हम सभी के साथ खड़े रहे, दृढ़, निष्ठावान और अंत तक भरोसेमंद रहे। उनके निधन ने एक विशाल शून्य छोड़ दिया है, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो आज सुबह सुबह बेहद दुखद खबर, अहमद पटेल का निधन, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए जबरदस्त झटका। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।